व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज़ फादर एलायस कार्डोज़ा। मैं यहाँ पे धर्म प्रांत का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। जी, तो सर यहाँ पे जो त्यौहार मनाया गया ईसा मसीह का जी, तो इसमें क्या क्या तैयारियाँ रहीं और कितनी अच्छी तरीके से मनाया गया? सबसे पहले तो क्रिसमस की तैयारी शुरुआत ऐसे होती है कि हम लोग जितने भी चर्च के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के घर में जाकर कैरल्स गाते हैं। सांता क्लॉस भी साथ में चलते हैं। कैरल्स का मतलब होता है जो प्रभु ईसा के जन्म से संबंधित जितने गीत होते हैं, जो कहानियाँ बताती हैं जन्म की, वो कैरल्स कहलाते हैं, और उसको हर घर में जाके गाया जाता है। इस तरह खुशियाँ आपस में लोग बाँटते हैं। उसके अलावा 24 की रात को यहाँ पर पूजन विधि थी चर्च में 10:30 बजे से, वो करीब 1:30 बजे 2 बजे रात तक चली थी। एक तरह का जन्म का जागरण था। उसके बाद सुबह के वक्त भी दोबारा 8:30 बजे या चर्च में बड़े गिरजाघर में सर्विस हुई थी, और शाम के समय 5:30 बजे यहाँ पर लोगों के लिए एक कार्यक्रम, प्रभु ईसा के जन्म के ऊपर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में कल रात को यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी। और आज के दिन 26 तारीख को हमारे शहर के जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, वे सब यह कार्यक्रम उनके लिए रखा गया है, जिसको क्रिसमस मिलन कहते हैं, वो आज शाम को 4:30 बजे से है। और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी आने वाले हैं। सर ये देखा जाता है कि हर जगह ये स्टार लगा होता है, तो इसकी क्या महत्ता है, थोड़ा सा जानना चाहूँगा। क्रिसमस के समय में स्टार का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि क्रिसमस की कहानी जो है उसमें स्टार का महत्व इसलिए है कि जब प्रभु यीशु मसीह का बेतलहम में जन्म हुआ, तो उस समय एक अनोखा तारा पूर्व दिशा में 3 राजाओं को दिखाई दिया। वो बड़े दूर देश से वो आए 3 राजा, और इसी स्टार के सहारे उसका फॉलो करते करते वो बेतलहम तक पहुँचे, जहाँ पर उनको प्रभु यीशु के दर्शन मिले। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो जीवन में प्रभु यीशु तक पहुँचने के लिए इस तारे का महत्व को लोग समझते हुए क्रिसमस के समय आप हर घर में एक तारा ज़रूर देखेंगे, और इसीलिए क्रिसमस की जहाँ पर भी सजावट होती है तो वहाँ पर आपको तारे विशेष रूप से दिखेंगे। प्रभु यीशु के बारे में कोई विशेष बात जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता हैं, जो हम सबको हमारे पापों से बचाने के लिए इस धरा पर आए थे, और उन पे जो भी विश्वास करता है हम यही मानते हैं कि उन सबका मुक्ति हो सकती है, और इस तरह हम प्रभु की शांति और आनंद को हमारे दिलों में महसूस कर सकते हैं। तो क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई आपको, और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी कोरोना फिर से आ रहा है, और बाकी लोग कैसे नया साल मनाएं? कोरोना अभी फिर से बढ़ रहा है, इसलिए सारी सावधानियां हमें बरतनी होगी, और प्रयास सबका यही हो कि हम सभी मास्क पहने रहें और सामाजिक दूरी का पालन करते रहें, और विशेष रूप से जब नया साल आने वाला है, भीड़ हर जगह होने वाली है, तो इस भीड़ में भी हम लोग यह सुनिश्चित करें कि अपना स्वास्थ्य का हम लोग ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।